अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये देखें जी, आई थी अभी मैं धूप शूप कुछ सेकने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं था ऊपर और मुझे गंद गंद नजर आया। बड़े टाइम के बाद आई थी यहाँ पे, कोई कारपेट शारपेट भी सुखाने के लिए डाली हुई है, नहीं धोई है, सूख गई है। अच्छा जी, आज मैं आई थी ऊपर, मैंने सोचा था कि जैसे धूप छूप लगा लेती हूँ, कुछ चेयर्स वगैरह पे बैठ जाती हूँ, ऊपर मैंने रखी हुई थी, तो ये बड़ा गनशन बना हुआ है। मैं भी आज बड़े टाइम के बाद आई हूँ। तो और सुनाए, आप लोग सारे कैसे हैं? अभी तो बड़ा वो क्या कहते हैं, मौसम वगैरह ख़राब था, वो वायरल इन्फेक्शन भी आया हुआ था, तो मैं खुद बड़ी बीमार थी। अभी थोड़ी सी मैं ठीक हो गई हूँ, तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नीचे जाते हैं, ऊपर तो धूप है ही नहीं। वो सामने है सखी जिंदा पीर की पहाड़ी, जो आजकल टिकटॉक पे बड़ी फेमस हुई हुई है, बड़ी आ रही है वीडियो शीडियो। ए तको ए साढ़े कोल जी, ये भी पॉलिश करवाने के लिए यहाँ पे रखी हुई है, हो गई है, कमरे में लेके जानी है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं नीचे आ चुकी हूँ और ये चिकन पे मैंने सिरका लगा के रखा था काफ़ी देर पहले, तो अभी मैं इसको एक तरह से दोबारा से वॉश कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे दही। दही देख के मुझे अपने रिश्तेदारों पे एक शेर याद आ जाता है, न दूध न दही निरी यें 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 यें। और फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे, ये मुझे पैकेट मिले हैं दो, वैसे तो मेरे पास ये डिब्बे भी थे लेकिन मैंने खोले, ये बीफ वाले थे, फिर मैंने अभी ये मंगवाए हैं, तो ये पैकेट ही मिले हैं मुझे। अभी मैं इसके अंदर दो ये ऐड करूँगी, दो ऐड कर लिए। और ये मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, वैसे इसके अंदर लहसुन का पाउडर ऐड करते हैं, अगर पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली सॉस, और इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस, थोड़ा सा और कर देती हूँ, क्या जाता है। चलो जी, इसके अंदर डालते हैं लेमन जूस, बस इतने से ही लिए हैं, कितने थे, पांच छह ही थे। अभी मैं इनकी ना मॉलिश करती हूँ, मॉलिश। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है साथ में एक चम्मच हल्दी, और एक चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और आधी चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। बस ऐसे मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी कि इसके स्पाइसेस इनफ होंगे इसके अंदर, तो फिर मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा सा और तड़का लगा दिया ऊपर से। और ये जो ऊपर आपको रेड नज़र आ रहा है ना, ये पता नहीं वीडियो के क्लिप मुझसे मिस कैसे हो गया, ये मैंने रेड फूड कलर दी इसके अंदर पानी में घोल के, वो भी ऐड किया। अभी मैं खाने लगी हूँ ये बूटी, ये भी मटन बॉईल किया था मैंने, इसके ऊपर नमक और काली मिर्च डाली है, अभी मैं इसको नोश फरमाऊँगी। यम 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 यम। और जी, यहाँ पे साथ ही मैंने कुछ 36 बार इन चावलों को धो के वॉश करके भिगो के मैंने रख दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने ये ऑनियंस शोनियंस काट के मैंने सारे रख लिए हैं, और अभी मैं इसको मसाला अलग बनाऊँगी। टिक्का जो मैंने वो मैरिनेट करके रखा है वो मैं अलग से बनाऊँगी। चावल यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं, फिर बस एक ही बड़े से देगचे में या इसी में मैं इसको दम लगा दूँगी। पहले चावल डालूँगी, फिर मैं मसाला डालना है, फिर वो टिक्का डालूँगी, फिर चावल डालूँगी, इस तरह से लेयरिंग कर लेंगे। और अभी मैं जल्दी से ऑनियन को फ्राई करके मसाला बनाते हैं। चलिए जी, अभी मैं इसके अंदर सारे के सारे ऑनियंस सूट लूँगी और अच्छे से इनको तड़फा तड़फूँगी। और चलो जी, अभी ऑयल ठंडा है। ये मेरे डैड उमरा से वापस आए थे, तो हम लोगों ने थोड़ी सी डेकोरेशन करवाई थी जो ख़राब भी हो गई है, वो ई भी उतर गया, सोफे पे पड़ा हुआ है, अभी मैं इसको दोबारा से चिपका दूँगी। जब तक इस डेकोरेशन के आखिरी सांस नहीं पूरे हो जाएंगे मैं इनको उतारूँगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे भी लगाया था ये, वहाँ से मैंने वो हटा दिया, उसके सामने भी था वो पड़ा हुआ है, वहाँ से मैंने उतार दिया है। और ये अलमारी भी आज लेकर जाएंगे, इसको पॉलिश करवाई है, फिर अलमारी भी देख लें ऐसी होती है, आप लोगों ने तो कभी नहीं देखी होगी। अच्छा जी, तो क्या नाम है, चिकन मैरिनेट किए हुए मेरे ख्याल से घंटा सवा घंटा हो गए, अभी मैं इस कढ़ाई में डाल के इसको पानी के साथ पका लूँगी, ऑयल नहीं यूज़ करना।
अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने सारा चिकन जो है वो मसाले समेत मैंने सारा कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। अभी मैं इसके अंदर एक ग्लास पानी ऐड करूँगी और बस इसको ढक कर रख दूँगी ताकि ये चिकन अच्छे से इसके अंदर सारे मसाले रच बस जाए और साथ में ये चिकन गल भी जाए। मतलब बड़े मज़े से सॉफ्ट सा चिकन बन जाता है और इसके अंदर तक सारे मसाले चले जाते हैं। यहाँ पर जी मेरा अनियन भी फ्राई हो गया था, बस एक सेकेंड के लिए मैं बैठी थी चेयर पर और ये साथ में इसने अपना रंग दिखा दिया। थोड़ा सा डार्क हो गया था, वीडियो में इतना नहीं लग रहा था लेकिन हो गया था डार्क। बस मैंने इसके अंदर ये टमाटर स्लाइस करके डाल दिए और जो भी मसाला आपको मिलता है ना घर में, जो भी मिलता है सारे इसके अंदर डाल दें, क्योंकि बिरयानी में तो जितने मसाले और जितनी खुशबुएँ आती हैं वही मज़े की लगती हैं। बस यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाला इसको भून भुनैया करके इसके अंदर बिरयानी मसाला, इमली आलू बुखारा, जो भी मिलता है डाल दें आप। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे तैयार हो गया है बिल्कुल। मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर मसाला है, बट अभी मैं इसको बिल्कुल हल्के से ऑयल में फ्राई करूँगी। और बर्तन यहाँ पे बहुत सारे गंदे हो गए हैं, सारी स्लैब भी, ये जितने बर्तन गंदे हो गए हैं ना, ये भी मुझे हुकूमत से काफ़ी सारी गालाज एंड ठुडाज भी पड़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद वॉश कर लूँगी। अभी इनको फ्राई करते हैं। ये देखें जी, इतू से ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल, बस हल्का सा इसको फ्राइंग वाला क्या कहते हैं, बस समझ रहे ना, थोड़ा सा फ्राई करने, बाकी ये गला हुआ है बिल्कुल। बस ये इतने से इसके पीसेस डाल के थोड़ा थोड़ा सा इसको कलर देना है और फ्राई करना है, बस हल्का हल्का सा। और इधर साथ में इसको मैंने कोयले का धुआं भी दे दिया है, वो बिल्कुल बारबेक्यू वाली इसकी खुशबू, कलर सब कुछ ऐसा आ रहा था, बड़े मज़े का लग रहा था। अच्छा जी, मैंने इसको ये तय लगा दिया था क्योंकि मेरे पास फ़ोन पकड़ने वाला कोई भी नहीं था, तो मैं अभी इसको बस दम दे के तो अब सो जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बस अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अभी तो ये मैंने बड़े बड़े पीस डाल दिए हैं, पता नहीं मैं इसको उल्टू पलटू कि कैसे ये मैंने ठीक किया कि गलत किया है। अब ये तो एक तरीका भी मेरा खुद का था, अब मुझे समझ भी नहीं आ रही तो इसको मैंने क्या करना है। ये मैं कहीं मेरी बिरयानी का प्रोग्राम बढ़ तो नहीं गया। नहीं नहीं, इसको नहीं मारेंगे, कुछ करते हैं, लेकिन है मज़े ही लग रही है ना। अरे जो ये चिकन मैंने, उफ क्लासी। टन टन एंड बिरयानी रेडी हो गई है जी, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बहुत लजीज बिरयानी बनी थी। और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।